अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन बर्गर की रेसिपी। ये हमने कैप्सी स्टाइल बनाया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एक बार आप ट्राई करेंगे तो हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने बिना हड्डी वाला 200 ग्राम चिकन लिया है, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, 4 से 5 बड़े चम्मच वाइट विनेगर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 9 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे। फॉइल से हम इसे कवर करके रखेंगे। 10 घंटे हो चुके हैं। चलिए चिकन फ्राई करने की तैयारी करते हैं। ये हमने 5 से 6 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून पेरी पेरी मसाला, अगर आपके पास नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम एक एक करके मैदे में इस तरह से डिप करेंगे अच्छे से, फिर हम इसे पानी में डिप करेंगे, फिर हम मैदे में डिप करेंगे। अब इसी तरह से सारे पीस को हम मैदे से कवर कर लेंगे। चिकन फ्राई करने के लिए रेडी हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, अच्छे से गरम करेंगे, फिर चिकन को हम उसमें फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। एक साइड से ये हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इन्हें पलटते रहेंगे ताकि ये बराबर से फ्राई हो जाए। चिकन हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। चिकन हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम बर्गर रेडी करते हैं। यह हमने टमाटो सॉस लिया है, हल्का सा इस तरह से लगाएंगे, फिर हम इस पे चिकन के पीस रखेंगे, उसके बाद अनियन स्लाइस रखेंगे, चीज़ स्लाइस रखेंगे, उसके बाद सैलेड पत्ता रखेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे अवन में रखते हैं। बर्गर को हम अवन में 30 सेकेंड के लिए रखेंगे। आप चाहे तो इसे किसी पैन या तवे पे भी सेक सकते हो। 30 सेकेंड हो चुके हैं, बर्गर हमारा रेडी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, कितना यम्मी लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।